मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार लोकसभा के चुनाव की तारीखें 16 तारीख को घोषित हो चुकी हैं और स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग की उस घोषणा के साथ पूरे देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी लागू होना सुनिश्चित हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आज हम आप सबके माध्यम से भी और चुनाव आयोग को भी आज हम अपना एक ज्ञापन दे करके आए हैं। उस संदर्भ में मैं एक दो चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। जब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, चुनाव आचार संहिता पूरे देश भर में लागू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की दृष्टि से एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी घटना जिसका मैं जिक्र आज आपके सामने करना चाहूंगा, एक योजना उन्होंने घोषित की है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। अभी हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र था, बजट पारित हुआ और बजट किस प्रकार से पारित हुआ ये सब आपको जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों का निलंबन करने के बाद बजट का पारण हुआ। अभिप्राय इसका सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं है। उस सारे विषय में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन प्रमुख विषय आज का सबसे जो महत्वपूर्ण लगता है, जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की सभी माताओं बहनों को 18 से 60 साल की जिनकी आयु है 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव ला करके हम देने की घोषणा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और जो गारंटी पत्र जिसको खासतौर से जिसका जिक्र किया था उसमें जिक्र किया हुआ। लेकिन मित्रों, सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की और 1.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है। 15 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। 15 महीने के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी जिसमें 2 बजट उनके पारित हो गए, महिला के साथ किया वो वादा 1500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा 18 से 60 साल की आयु की, उस पर कोई भी काम नहीं किया। और अभी बजट पारित करने के बाद 5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आया कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और 5 मिनट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी जाती है हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल के बाद हम देने की घोषणा करते हैं। 5 दिन पहले बजट पारित हुआ। बजट के अगर हर मद में अगर आप देखें तो बजट प्रावधान उस स्कीम के अंतर्गत है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आ गए
और चुनाव आ गए तो चुनाव जीतना है, फिर से झूठ बोल करके किस सेक्शन को हम टारगेट करें, टारगेट करने के लिए वही सेक्शन ढूंढा जिस सेक्शन के साथ, यानी कि हमारी माताओं बहनों के साथ जो झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में जो काम किया उसी काम को फिर से करने की कोशिश की है। और उसके पश्चात हमने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में एक फोरम बनाया गया और ये फोरम लगभग उसी तरह का फोरम है जो विधानसभा के चुनाव से पहले उन्हें महिलाओं की गारंटी के लिए वो फॉर्म भरे थे, जिसमें उन्हें गारंटी दी कि हम गारंटी देते हैं, हम धारक जो है वो इस बात की गारंटी देते हैं कि हर महिला को 1500-1500 रुपये मिला दिए जाएगा। अब फिर से वो उसी तरह का लगभग उसी तर्ज पर फॉर्म बना करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें एक तरफ पूर्व में प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी का फोटो है और दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का फोटो है। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि महिलाओं को गाड़ियों में भर भर करके लोक मित्र केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है, कांग्रेस के तहसील वेलफेयर के ऑफिस में पहुंचाया जा रहा है और उनको एक ही बात कही जा रही है कि अगर फॉर्म भरने में आपने विलंब कर दिया, देर कर दी, तो उसके बाद और कुछ जगह जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में कर्मचारियों के अधिकारियों के भी फोन भी इस बात के लिए आ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। और इसलिए इसमें आज हमने उचित समझा कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश भर में, हिमाचल भी देश का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता का जिस प्रकार से उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार, उसके संदर्भ में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। आज हमने ज्ञापन देकर के अपनी बात वहां पर कही है, हम सीईओ को मिले हैं और हमारे माननीय विधायक भी साथ में थे, हमने अपनी बात रखी है। और मैं इस बात के लिए हमने आग्रह किया, हमने मांग की है तुरंत प्रभाव से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। इसी तरह के फॉर्म विधानसभा के चुनाव से पहले भरे गए थे लेकिन उसके बावजूद 1500 रुपये नहीं मिले, इसी प्रकार के फॉर्म अब दोबारा लोकसभा के चुनाव से पहले भरने की प्रक्रिया शुरू की है और अब भी नहीं मिलने वाले हैं। मालूम है कि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आने वाले समय में जब आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता लग गई, अब तो अब इसके बाद घोषणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि देने तो है नहीं। और मित्रों, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, इस संदर्भ में हमने इलेक्शन कमीशन को जो अभी तक प्रदेश में योजनाएं उनकी अभी तक, हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि कुछ जगह भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ लोगों ने, निजी लोगों ने भगवान रामचंद्र जी का चित्र होर्डिंग के रूप में लगाया था, कुछ जगह मंदिर लगाया था, ना उसमें पार्टी का जिक्र है ना पार्टी का नाम है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह अधिकारियों ने उन सारे होर्डिंग को फाड़ने और हटाने का आदेश कर दिया, हटा दिए गए हैं। कांगड़ा में विशेष तौर से हमारे पास शिकायत आई है, हमने आज इस बात के लिए भी आग्रह किया कि क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि अगर किसी स्थान पर किसी ने प्राइवेट अपनी जगह पर लगाया है, किसी ने गवर्नमेंट की जगह पर किराया लेकर के रेंटेड जो वो साइट थी उस पर लगाया है, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का और भगवान रामचंद्र जी के फोटो का वो होर्डिंग लगाया है, वो किसी सूरत में भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। नेताओं के फोटो लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, सरकार के होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के होर्डिंग और उनके मंदिर के होर्डिंग जो है वो हटा दिए गए। इस संदर्भ में भी अपनी बात हमने आज कही है। मित्रों, पिछले दिनों से हमने एक बात को देखा कि अब तो आचार संहिता लग गई है, कि ऐसा दौर हिमाचल प्रदेश में आया कि जब
कैबिनेट की बैठक एक एक महीने में एक बार भी नहीं होती थी। और ऐसा दौर आया कि कैबिनेट की बैठक हर रोज होने लगी और कई बार एक दिन में दो बार भी होने लगी। और आनन फानन में इस प्रकार के निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिए गए जो बहुत हास्यास्पद भी है। कई अधिकारियों को एक्सटेंशन दी गई, कई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिए गए। आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों? उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को आभास हो गया है कि शायद भविष्य लंबा नहीं है। जिसको अप्लाई करना किया जा सकता है तो अभी कर लेना चाहिए। और मैं इस बात को आंकड़ों के साथ में कह सकता हूं। आप ही लोग हमसे पूछते थे और हम आपको बोलते थे कि ठीक नहीं चल रहा है, और हमारी बात साबित हुई। अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा का जब चुनाव का परिणाम आया आपके सामने, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनकी पार्टी के एजेंड को वोट दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बहुत बड़ी स्तर पर नाराजगी थी, निराशा थी, जलालत थी, जिसका हम जिक्र आज से नहीं कई महीनों से कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के हालात हैं। कांग्रेस पार्टी का कैडर निराश पड़ा हुआ, नाराज पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा एक बार नहीं अनेकों बार कह चुकी है कि कांग्रेस के जो सरकार के जो कामकाज करने का तरीका, उससे कोई भी आदमी खुश नहीं, कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं। जब कांग्रेस के कैडर खुश नहीं, कांग्रेस के नेता खुश नहीं, कांग्रेस के विधायक खुश नहीं, सुखी नहीं, कांग्रेस के मंत्री मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक से आंसू बहाते बहाते निकल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दौड़ करके उनको पकड़ करके वापिस लाते, इस तरह का तमाशा कभी भी हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का लोगों को देखने को नहीं मिला जो वर्तमान सरकार का देखने को मिला है। और ऊपर से इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, उनके कुछ और नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत तो देखिए, ये विधायक, छह विधायक आपके कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को वोट दिखा करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के गए। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उनने आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चुने हुए प्रतिनिधियों को इस प्रकार से जलील करना, और वो अपने कुछ ऐसे लोग जो कभी कुछ बने नहीं लेकिन कैबिनेट रैंक के साथ बैठे हुए हैं, वो सरकार को चला रहे हैं, सरकार को हांक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनको सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए, अपना वो जो अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए सरकार को अपने कामकाज का, और उसके बाद आगे की बातें तो मैं कहने नहीं चाहूंगा। कांग्रेस का ही एक नेतृत्व का एक डेलीगेशन हिमाचल प्रदेश में आता, वो अपनी रिपोर्ट दिए हुए हैं, वो रिपोर्ट आप सबके पास है, उसके बाद जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, वो सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो एक स्थिति बनी है,
कांग्रेस की सरकार अपनी लोकप्रियता तो बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत भी खो चुकी है और उसमें सबूत के तौर पर हम आपके सामने उन बातों का जिक्र करने के लिए रुके थे। हम इस बात को बड़ा साफ कह रहे हैं, जब हेल्थ पर कट मोशन था, कट मोशन के बाद मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया, जवाब देने के बाद जब वो डिमांड वोट के लिए रखी गई विधानसभा के अंदर, और वॉइस वोट के आधार पर उसको पारित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने बात कहकर के हमारी बात को नकार दिया, जब हमने डिवीजन मांगा था, डिवीजन नहीं दिया गया था, सुनी नहीं और बात बिल्कुल अनसुनी करके एडजॉर्न कर दिया हाउस। और दूसरी बात, जब बजट पारित करने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को 100 मार्शल के साथ विधानसभा से उठा करके बाहर कर दिया गया। और यह परिस्थिति उस सूरत में, जब आप लोगों ने भी, हम लोगों ने, सब लोगों ने देखी, पूरे देश ने देखी है, तो उसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सही मायने में सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं रह गया है। और शायद मुझे लगता है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान में जो जिस प्रकार के निर्णय आनन फानन में जल्दबाजी में करने की कोशिशें कर रहे हैं, उसे जाहिर होता है कि कांग्रेस का भविष्य अब बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी मित्रों, जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी सीमाओं को लांघ रहे, और मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि अधिकारियों से आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, नियमों के मुताबिक काम करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार के भविष्य के साथ अपने भविष्य को ना जोड़ें। इस सरकार का भविष्य नहीं है लंबा। और जहां चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा की सीटों के संदर्भ में, उस मामले को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब पूछेंगे भी उस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया गया है अध्यक्ष महोदय जी को, और उसका जवाब वो देंगे, और आगामी आने वाले समय में हमारा पार्टी का नेतृत्व तो क्या इस सारे मामले को लेकर के विचार करेगा, निर्णय करेगा, इस बारे में आपको अलग से जानकारी आपको दे दी जाएगी। प्रमुख रूप से मित्रों, मैं यही कहूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश में सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, उस सारी चीज को लेकर के वो बंद करें, चुनाव है, चुनाव का सामना करें। और वैसे भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार ने जो इस स्कीम की जो घोषणा की है, जिस स्कीम का मैं विशेष तौर से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, एक तो उनको अपने हर योजना के साथ गांधी का नाम जोड़ना जरूरी लगता है, लेकिन अब यहां तक ही बात नहीं रही है, अब उसके बाद फिर अपना नाम भी साथ में जुड़ना चाहिए। तो ये सुख की सरकार और हिमाचल प्रदेश में अभी 3-4 योजनाओं का जिक्र हो गया मेरे ख्याल में, सुख योजना और इस योजना के साथ भी सुख जोड़ दिया गया है, तो उनको अच्छा लगता होगा ये सारी चीज को लेकर के, लेकिन सुख की अनुभूति माताओं बहनों को होगी कैसे? इसमें मैं देख रहा हूं जो नोटिफिकेशन है, मैं उस सारी चीज में आप लोगों ने उसका जिक्र कर भी दिया है पहले मीडिया ने, अधिकांश महिलाएं तो उसमें पात्र ही नहीं है। अगर उस क्राइटेरिया को अगर हम देखें, जो क्राइटेरिया तय किया है, उस क्राइटेरिया में तो हम इस बात को देख रहे हैं कि
कि बहुत सारी महिलाएं हिमाचल प्रदेश की, मैं उनको पढ़ना आप छोड़ देता हूं, मैं इसमें बहुत सारी महिलाएं इसमें पात्र ही नहीं होंगी। किसी को पेंशन मिलती है परिवार को तो वो पात्र नहीं होंगे। और कहा तो उन्हें ये था कि हिमाचल प्रदेश की 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। अगर सभी महिलाओं की बात आती तो उनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में 22 लाख बनती है। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मैं हिमाचल प्रदेश में 5 लाख जो अभी जो घोषणा की है उसके अंतर्गत 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। अगर 18 से 60 साल महिलाओं के लिए कहा था तो ये योजना तो 22 लाख महिलाओं के लिए होनी चाहिए थी, 5 लाख महिलाओं के लिए कैसे हो गई फिर सीमित। अगर 22 लाख महिलाओं को आपने 1500 रुपए अगर देने की अगर बात करनी है तो एक साल में बजट का प्रावधान आपको 4000 करोड़ रुपए करना पड़ेगा उसके लिए, बजट में जिक्र ही नहीं है। फिर भी उसके बावजूद कहा कि 800 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेंगे, 5 लाख महिलाओं के लिए जो देंगे। और 5 लाख महिलाएं हैं कौन? अब जब उसकी जो नोटिफिकेशन आई तो उसमें हमने वो देखा कि वो सारे वो तो महिलाओं का नंबर बहुत कम रह गया इसमें जिनकी पात्रता है। उस पात्रता के क्राइटेरिया को आप नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि अगर इसको ये चाहिए होगी तो आपको उपलब्ध होगी। मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के 50% आबादी लगभग महिलाओं की है, माताओं बहनों की है, उनके साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक करना, उनको बार बार जलील करना, लोग विधानसभा के चुनाव में झूठ बोल करके उनसे वोट लिए लेकिन उनके लिए जो वादा किया था उसको पूरा किया नहीं, आप फिर उसी वादे को फिर लोकसभा के चुनाव में दोहरा रहे हैं, इससे बड़ा अपमानजनक जो है मजाक जो है वो कोई और हो नहीं सकता है। और झूठ बोलने की बात, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पूरे कर लिए हैं। मित्रों, आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में एक अच्छा रुझान बना है, बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस भर में पूरे देश भर में लगभग 12 से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, डेप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी शामिल कर चुके हैं पूरे देश भर में। और आने वाले समय में भी मैं यही कहूँगा कि ये चुनाव जो है समर्पित है विकास के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, मोदी जी ने 10 वर्ष के इस कार्यकाल में किया है, और उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। पूरा देश इस बात को लेकर के हर जगह चर्चा कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कोई होगा तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे। और बहुत बड़े बहुमत के साथ जो अब की बार नारा दिया गया है एनडीए के लिए, अब की बार 400 पार। और हिमाचल प्रदेश में मैं यही कहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा सहयोग डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को मिला है। हम कभी भी उनका ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं। और उस दृष्टि से 2014 में चारों सीटें जीती, 2019 में चारों सीटें जीती, 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी, और अब की बार फिर 2019 के उस रिकॉर्ड को दोहराना चाह रहे हैं। 2024 में चारों सीटों पर जीत होगी और बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत होगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। मित्रों, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। जब सरकार अलमत में है तो क्या आप विधानसभा भंग करने की अपील करेंगे या अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करेंगे या फिर सरकार बनाने का दावा करेंगे? देखिए, फिलहाल तो हम ये है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर लोकसभा के चुनाव के साथ ये 6 विधानसभा के चुनाव भी जो घोषित हो चुके हैं ये चुनाव भी होंगे तो निश्चित रूप से 6 के 6 उपचुनाव भी जीतेंगे, 4 लोकसभा भी जीतेंगे, और उसके बाद फिर प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात करेंगे। क्या
पार्टी भाजपा में शामिल होगी? देखिए, इन सारी संभावनाओं पे तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व तो अंतिम फैसला इस पर लेगा। देखो, हमारा कैडर नाराज नहीं होता है। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका सम्मानजनक तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़ें। और जहां भारतीय जनता पार्टी की कैडर की बात है, उस बात को वो हमारा घर का मामला, उसको हम घर में ठीक कर लेंगे। आपने कहा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए घोषणाएं की जा रही है, फॉर्म भरवा जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को ये आभास हो गया था कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और छह जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें उपचुनाव होंगे और उनको प्रभावित करने के लिए ये घोषणा की जा रही है? निश्चित रूप से यही बात उनके ध्यान में रही। ठीक विधानसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने यही इस प्रकार से घोषणा की, गारंटी दी, फार्म बांटे, फार्म भरे, लेकिन उसके बावजूद 15 महीने तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोकसभा के चुनाव आ गए तो लोकसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने वही प्रक्रिया शुरू की है और बजट में प्रावधान नहीं है उस स्कीम के अंतर्गत, लेकिन उसके बावजूद बिना बजट के मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ। 5 वर्ष हमने 5 बजट प्रस्तुत किए हैं जिस स्कीम के लिए बजट में बजट का प्रावधान ही नहीं है। अगर स्कीम भी ऐसी होती कि 100 करोड़ 200 करोड़ की होती तो भी समझ में आती, 800 करोड़ से ज़्यादा का उस पर खर्च करने का मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन बजट पारित जो हुआ है उसमें उसका जिक्र ही नहीं है, उसका प्रावधान ही नहीं है। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर और उनकी सारी हड़बड़ाहट पर, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में वो महिलाओं के वोट को फिर से गुमराह करके हत्याना चाह रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी। सर, दो पार्लियामेंट्री जो टिकट सभी पेंडिंग है वो कब तक फाइनल हो जाएंगी और जो असेंबली के लिए जो कांग्रेस के 6 रेबल्स हैं क्या उनको टिकट देंगे या किसी दूसरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको ऑनर करेगी बिकॉज दे हैव वोटेड इन फेवर ऑफ? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है, हमने 4 में से 2 सीटें लोकसभा की डिक्लेयर कर दी है। हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर जी और शिमला से हमारे सुरेश कश्यप जी दोनों इलेक्शन की कैंपेन में जुट गए हैं। 2 सीटों पर निर्णय मुझे लगता है कि कांगड़ा और मंडी सीट पर बहुत जल्दी निर्णय आने वाले समय में पार्टी का नेतृत्व करेगा। जहाँ तक 6 विधायकों की जो जिनका एक्सपल्शन हुआ, जिनको निकाला, डिस्क्वालीफाई किया है, उनके संदर्भ में पार्टी हाईकमान सारी चीज़ों पर विचार कर रही है। पार्टी उनको सम्मान निश्चित रूप से देगी। ये सारी चीज़ें विचार करने के बाद पार्टी का नेतृत्व तो तय करेगी। सर, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो अब अगली सुनवाई 6 मई को, तो पार्टी का स्टैंड ओवरऑल क्या है, क्या उपचुनाव में क्योंकि पहले माइंड बनाना पड़ेगा कि वेट तो कर नहीं सकते क्योंकि डेड एंड आ जाएगा उसके बाद, तो उपचुनाव में जा रहे हैं पहले डिसाइड क्या कर रहे हैं? और दूसरा, मंडी सीट से जो आपके नाम को लेकर बार बार बात होती है, क्या विधानसभा के अंदर जो फिगर एक अब क्रूशियल हो गया है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा? नहीं, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके मुताबिक तो सिर्फ इतना ही कहना है उसमें हमको कि उसमें उसको एग्जामिन कर रहे हैं, हमारा पार्टी का नेतृत्व और नेतृत्व के साथ साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बारे में जो निर्णय करना होगा बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसमें निर्णय हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में, जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए
वो लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती है। मुझे लगता है ऐसा है, मेरा ये मेरा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में भी पहले नाम कुछ और तय किए थे उन्हें, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्होंने छुट्टी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है, तो ये एक परिस्थिति है। मंडी को लेकर एक चर्चा चल रही है, कांग्रेस के एक बड़े धड़े पर भाजपा की नजर है, जिनको भाजपा अपना मंडी से प्रत्याशी बनाना चाह रही है, क्या उस दिशा की तरफ भी भाजपा आगे बढ़ रही है? पर ये मंडी पर ही नज़र आप लोगों की क्यों है मालूम नहीं, लेकिन हमारी नज़र तो पूरे प्रदेश भर में है और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की नज़र पूरे देश भर में है। बहुत जगह नज़र घूम रही है, बहुत लोग नज़र जो आ रहे हैं उस पर पार्टी निर्णय करेगी जो भी करना होगा, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात इस तरह की ज़्यादा नहीं। सर, ये कांग्रेस का स्टैंड है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डाइवर्जन का काम करे, आप किस तरह देखते हैं, कितना फायदा रहेगा सीएए से देश में? देखिए, बिल पारित था लोकसभा में राज्यसभा में बहुत पहले से, लागू होना था, सिर्फ इतना ही हुआ इसका नोटिफिकेशन अभी गया। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के जब बिल पारित किया तो हमारी एक होनेस्ट कमिटमेंट थी देश के साथ ही। इसका लाभ राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में फायदा होगा नुकसान होगा, लेकिन बिल तो कब का पारित किया है, तो उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं था। सिर्फ इतना ही है मैं कह सकता हूँ कि ये देश की आवश्यकता थी, देश की एक बहुत बड़ी एक मांग भी थी, उस मांग को पूरा किया है और ये स्वाभाविक रूप से ये श्रेय जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है। देखिए, मैं उस सारी चीज़ पे अब कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ कि जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस की वैधता पर ही हमने उनको जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उनको जवाब दिया है, और जवाब जो दिया गया है मुझे उम्मीद है कि उसके बाद दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी उस सारी चीज़ की, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ।